आप सभी को नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो यात्रा है खतियानी आभार यात्रा, क्या यह इसमें ग्लैमर का जो तड़का लगाने की जो चाह है वो राज्य के लिए बदनामी का सबब बन गया है? जैसे कि कल जो यात्रा आरंभ हुई है इसके पृष्ठभूमि में अगर हम लोग जाते हैं तो 1932 आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ों को आरक्षण देना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडा में था। मुख्यमंत्री भी जब चुनावी सभाओं में जाते थे तो ये बार बार कहते थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जो है पिछड़ों का आरक्षण को बढ़ा के 14% से बढ़ाकर 27% कर देंगे और साथ ही 1932 आधारित स्थानीय नीति जो है राज्य में लागू करेंगे। लेकिन जब 3 साल सरकार के पूर्ण होने वाले हैं और लगातार जो जन दबाव जो बढ़ा तो आनन फानन में ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और स्थानीय नीति को और 27% पिछड़ों का आरक्षण को विधानसभा से पारित कर केंद्र के पास 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अब यह कब लागू होगा, केंद्र कब उसे डालेगी, यह किसी को पता नहीं है इसके बारे में विशेष जानकारी। लेकिन सरकार इसे उपलब्धि के रूप में अपना दिखा रही है और सरकार के अनेक मंचों के द्वारा ये बार बार ये बताने की कोशिश किया कि उन्होंने अपना जो चुनावी वादा जो है उसको पूरा कर लिया है। अब ये गढ़वा में जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम कल से आरंभ हुआ है तो खतियानी आभार यात्रा के नाम से, लेकिन इसमें एक बड़ा बात ये हो गया कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह समेत कुछ और भी भोजपुरी कलाकार जो है उनको आमंत्रित किया गया। यह भी बात जो कई लोगों को हजम नहीं हुई कि झारखंड के जो कार्यक्रम है सरकार के जो कार्यक्रम में भोजपुरी अदाकारा को क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री का जो एक बयान है जो भोजपुरी को लेकर जो है वो काफ़ी विवादों में रहा था और इससे झारखंड के जो कलाकार भी जो है काफ़ी मायूस हुए थे। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर नहीं थी कि अक्षरा सिंह को बुलाया गया है, लेकिन उनकी आपत्ति थी कि झारखंड के जो कलाकार है वो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे बड़े जगहों पे उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए, उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। और अक्षरा सिंह जो कि अभी भोजपुरी अभिनेत्री है, जानी मानी अभिनेत्री है, तो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंच साझा करने को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रही थी। उन्होंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड करके इस बारे में जानकारी भी थी, उन्हें एक्साइटमेंट था कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उन्हें मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन कल जो घटना जो घटा और वीडियो के माध्यम से पूरे देश भर के लोगों ने देखा होगा कि राज्य में किस प्रकार बदनामी हुई, कार्यक्रम में जो है व्यवस्था का बिल्कुल अभाव दिखा, कुर्सियां टूटी फूटी दिखी, लोग हंगामा करते दिखे और यहां तक कि कार्यक्रम जो है संपन्न भी नहीं हो सका और सुरक्षा के बीच जो है अक्षरा सिंह को ले जाया गया और ले जाते समय उन्होंने कहा कि यहाँ किसी कोई भी व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। तो ये जो है राज्य के लिए जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है जो कल सामने जो दिखाई दिया है, और कला के क्षेत्र में भी माना जाए आप अक्षरा सिंह के प्रशंसक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, लेकिन वो भोजपुरी अभिनेत्री है और जान देश भर में जाना पहचाना चेहरा है। जब पहले से ही झारखंड के जो कलाकार है वो लगातार सरकार से उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं, लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी यहाँ पर जो भी कला नीति जो है वो नहीं जा बन पाई है जिससे वो उनका भला हो। और इस प्रकार अगर जो बाहर के कलाकार हैं चाहे किसी भी भाषा के हैं किसी भी राज्य के रहे, आपने उनको बुलाना या नहीं बुलाना एक अलग विषय है, लेकिन अगर फिर आपने अगर उन्हें बुला लिया है तो बुलाने के बाद आप उसको एक अतिथि के रूप में आपको सम्मान देना चाहिए था, व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन जो तस्वीरें आई है और मुख्यमंत्री की आभार यात्रा खतियानी आभार यात्रा में, उससे राज्य भर में कहीं ना कहीं जो है कला के क्षेत्र में बदनामी जो है हुई है झारखंड के देश भर में, तो आगे से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है और ये जो पिछड़ों का आरक्षण का विषय है, इसको लेकर भी अनेक जो राजनीतिक जो लोग हैं उनकी अलग अलग बातें हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लागू तो हुआ नहीं है लेकिन सरकार इसको अपने उपलब्धि के रूप में जश्न के रूप में मना रही है कि उन्होंने लागू कर दिया है, लेकिन केंद्र के पास 9वीं सूची में डालने के लिए भेज दिया गया, लेकिन कब ये लागू होगा इसके बारे में किसी को भी कोई अता पता नहीं है। तो जो भी तस्वीरें जो आई है, मुख्यमंत्री है, राज्य का दौरा कर सकते हैं, राज्य की समस्या को उठा सकते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं लगा कि ग्लैमर का जो चाह है, जो ग्लैमर की चाह है वो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ा कार्यक्रम पे और इससे राज्य की जो है देश भर में बदनामी हुई है।